मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट का भाव गलत, भाव गलत नहीं हो तो सब सही है, सब अच्छा है। और मैं हमेशा अच्छे ही दिल से काम करता हूँ और मुझे लगता है कि वही मेरी शक्ति रही है। मैं दिल ख़राब नहीं करता और किसी के दिल को ठेस भी नहीं लगाता। तो अब उसमें जो हो जाए जैसे हो जाए। क्या होता है कि आप कभी कभी एक परफॉर्मर को देखते हैं और जब मैं इनको देखता हूँ तो आई एम लुकिंग एट इंस्पिरेशन, क्योंकि इन्होंने जब से ये फिल्मों में आए हैं तब से जनरेशन से जनरेशन इंस्पायर किया है। सब लोग यही चाहते हैं कि एक दिन मैं इनकी तरह नाच सकूं, इनके जैसे कोशिश सभी लोग करते हैं और इनका एक अपना अनोखा अंदाज़ है। हर इन्होंने अपने अंदाज़ को अपनी स्टाइल बनाई है और उस स्टाइल को बाकी सारे एक्टर्स फॉलो करते हैं, देश फॉलो करता है। आई थिंक इसीलिए ये सुपरस्टार है और हमेशा रहेंगे। सब हमेशा कहते हैं कि ही इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, हर कोई इनकी तरह बनना चाहता है। मेरी एक ही इच्छा है कि हमेशा और सदैव रहे ताकि सब लोग इंस्पिरेशन लेते रहें इनसे। और मेरी एक ही इच्छा है कि मैं इनके साथ हमेशा काम करूँ। सो आई थिंक दैट इज़ माई इच्छा, बाकियों का मुझे पता नहीं। एंड मे गॉड ब्लेस हिम, गिव हिम अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो अच्छा काम करते रहेंगे, लोग इनको बहुत प्यार देते रहेंगे और हमको और भी मौका मिलेगा इनके साथ काम करने का। दैट्स मेरे पास अल्फाज नहीं है। लव यू, गॉड ब्लेस।